रैलीज वगैरह की आपने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा सोसाइटी में ड्रग कितना बड़ा मेनांस है, लेकिन आज हम जो बहुत गंदा नशा है, खतरनाक नशा है, जो दिमाग की नसों को सुन कर देता है, दूसरा ब्राउन शुगर भी इसी से निकलता है, तीसरा हफीम भी इसी से निकलता है, चौथा बुक्की जिसको पॉपिस्ट्रा कहते हैं, कह रहे हैं कि आओ ये है क्या, ये प्लांट है क्या, अगर आपके घरों में कहीं लगा है आपने इनको भी अवेयर करना है कि इस प्लांट को निकाल देना है। तो आज बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उनके साथ हमने मिलकर ये इस पूरे गांव में जाना है कि पॉपी के प्लांट जहां भी लगे उनको निकालना है, ठीक है। जी जी, मेरा नाम अफशा अफसार है, मैं गोरमी डिग्री कॉलेज ठाठरी से हूँ। हम यहाँ आज आए हैं, हम ये सोचते थे कि जो ये अफीम है, जो ये हमारे जो ये सारे ड्रग्स की चीज़ें हैं बाहर से आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। आज हम SHO साहब के साथ यहाँ पे ड्राइव पे आए, हमने देखा कि ये हमारे ही इलाके में ये सब कुछ लग रहा है, जो हमारी आवाम है, हम इससे ये कहना चाहते हैं कि ये फसल ना उगाए। हमने देखा कि इसकी वजह से जो हमारी यूथ है, हमारी जो सारी, पहले तो लड़के करते थे ड्रग्स, अब तो लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत टाइम से जो है नशा चलते आ रहा था, तो ये जो नशा है ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। जी, जो बेचने वाला होता है उसे तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो खरीदने वाला होता है उसका घर जो है बर्बाद हो जाता है। जी, मेरा नाम अज़रा है, जो कि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी से हूँ। तो हमको यहाँ पे बुलाया गया कि यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है। हम आज तक ढूंढते रहे कि नशा आता कहाँ से है, अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इलाके से आ रहा है। सो प्लीज़, मैं पूरे आवाम से अपील करती हूँ, ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़, जब इंसान नशा करता है ना, उस वो देख पाता है कि ये हमारी बीवी है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी माँ है। जब इंसान को पता ही नहीं चलता है कि ये औरत है कौन, मतलब वो बेहोश हो जाता है, उस वो अपने होश हवास में रहता ही नहीं है। सो प्लीज़, अगर आप खुद समझदार हैं, आप खुद अकलमंद हैं, प्लीज़ आप नशा से दूर रहें। देखिए, DC डोडा विकास शर्मा जी और SSP डोडा अब्दुल कयूम साहब की डायरेक्शन पे जो है यहाँ एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें मैं खुद था, SHO साहब थे, और हमारे जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री अंजील सिंह थे, और यहाँ पर जितनी भी पॉपी कल्टीवेटेड थी वो जो है डिस्ट्रॉय की गई, और यहाँ पर SHO साहब ने उसमें रेलिवेंट सेक्शंस में जो FIR लगाई। लेकिन इसमें जो बड़ा योगदान वो रहा कि हमने स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे भी साथ लाए। आपको पता है पिछले महीने मुहिम चली नशे के खिलाफ, तो हमने बच्चों को भी अवेयर कराया, उनसे डिस्ट्रक्शन करवाई, ताकि सोसाइटी भी इस बारे में अवेयर हो, बच्चे भी अवेयर हो, और जो है इस चीज़ को रोका जाए। SHO ठाठरी जो है इस पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत की वजह से जो है इनने हमारी नोटिस में लाया कि बाहर से नहीं बल्कि यहाँ भी इस चीज़ की कल्टीवेशन हो रही है, तो इसीलिए हमारे लिए भी हैरानी की बात थी। उसके बाद टीम्स भेजी गई जिनने आइडेंटिफाई की लोकेशंस, और आज ये डिस्ट्रक्शन हुई। इसके साथ साथ हम आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं, आज जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्शन उनके खिलाफ FIR भी हुई, और हमें मालूम चला है कि और भी आसपास के गाँव में इस तरह की कल्टीवेशन है, लोगों को जो है ये मौका है कल तक जो है उसको खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करें, नहीं तो दूसरे गाँव में FIR लॉज होंगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमने ये जो मुहिम रखी थी फक्सू जंगलवाड़ एरिया में, यहाँ कुछ काश्त होती है एक नशे की, एक पदार्थ समझो, एक पदार्थ टाइप का, जिससे जो यहाँ काश्त होती है, तो इससे यहाँ पर वहाँ पे प्लस बच्चों पे बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो कुछ बच्चे, कुछ लोग जो हैं वो इंटरनल नशा कर रहे हैं, नशे के अधीन हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में आज SDM साहब, हमारे SHO साहब, प्लस यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज है, हाई सेकेंडरी जंगलवाड़ है, तो इन्होंने पार्टिसिपेशन की और तमाम खेतों से जितना भी ये नशे की पदार्थ थी इसको जड़ से खेत के फेंक दिया और इसको साइड में कर दिया, और अवेयर किया गांव वालों को आइंदा के लिए इस किस्म की काश्त जो है वो ना की जाए, और नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर दोबारा हमें ये काश्त पकड़ी, इस किस्म की काश्त हुई, तो एक्शन लिया जाएगा इन लोगों के ऊपर जो लोग ये गलत काश्त कर रहे हैं। ये नशे वाली पदार्थ जो है, तो ये जो लगाते हैं, तो इस पर बैन होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बैन।